हेलो एवरीवन आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस वेरी ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य कैसे हो यार आप लोग आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस वेरी ब्यूटीफुल सीरीज क्या है सीरीज का नाम प्रारंभ प्रारंभ सीरीज हम रन कर रहे हैं किन स्टूडेंट्स के लिए उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि क्लास इलेवेंथ में है और चाहते हैं क्या चाहते हैं भाई चाहते हैं एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से एम करना तो ये सीरीज उन्हीं बच्चों के लिए रन हो रही है तो आप जितने भी लोग हो आपके जितने भी दोस्त हो क्लास इलेवेंथ में हो नीट में रैंक लाना चाहते हो चाहते हो एक ऐसी जगह से पढ़ना जो कि रैंक प्रोड्यूसिंग इंजन है और श्री चैतन्य वो इंजन है श्री चैतन्य ही वो प्लेटफॉर्म है जो कि आपको रैंक से ओरिएंटेड पढ़ाई करवाता है आपके रिजल्ट पे जो फोकस्ड होना चाहिए और जो कंटेंट आपको मिलना चाहिए जिससे आपकी रैंक क्लियर हो पाए एक बहुत ही लो ग्रेड बच्चा हो मीडियम ग्रेड बच्चा हो हाई ग्रेड बच्चा हो ये पूरा का पूरा कंटेंट ये पूरा का पूरा जो सीन है पूरा जो आपका स्ट्रैटेजी है पूरा पेटेगॉजी है लर्निंग का ये बहुत ही ढंग से क्यूरेट की गई है और इसी तरीके से क्यूरेट की गई है कि एक नॉर्मल बच्चा भी अपनी रैंक को एनहेंस कर पाए अगर वो लो ग्रेड पे है तो उससे ऊपर बढ़ पाए मीडियम ग्रेड वाला उससे ऊपर मीडियम जो हाई ग्रेड पे उससे ऊपर सो यह स्ट्रैटेजिकली बढ़ाया जाता है बहुत बहुत ही तरीके से बढ़ाया जाता है और वो पूरी की पूरी चीजें आपको यहाँ पे ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली यूट्यूब पे आपसे बस हम लोगों को एक चीज चाहिए जो कि आपका टाइम आपका टाइम चाहिए आपका डेडिकेटेड एफर्ट चाहिए और रैंक की गारंटी हम लोग आपको देने के लिए तैयार हैं। सो माय नेम इज आदर्श राय एंड आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है एक बहुत ही बेहतरीन सा चैप्टर मोशन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का दैट इज एंड इट्स इक्वेशन सो आज का एजेंडा हमारा ये रहने वाला है कि हम मोशन के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे जितनी भी रेलिवेंट बातें हैं उन सबको कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ एंड में जाते जाते आपने जो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ रखी है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे सो so, आज का सेशन आपको अपने क्लास 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 की जरूर दिलाएगा, क्योंकि 9th में टॉपिक्स पढ़ते 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 हैं, पढ़ते हैं Position, distance, velocity, speed, पढ़ते हैं, कि नहीं पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड सब और उसी में थोड़ा क्लास का एक फ्लेवर आ इंपॉर्टेंट तो so, टॉपिक अच्छा हो जाता है क्योंकि इसके आते ही क्वेश्चन साथ ही साथ इसके कॉन्सेप्ट दूसरे चैप्टर्स में लग के भी क्वेश्चन बहुत सारे क्रिएट होते हैं हाय हाय यार एवरीवन हाय ऑल ऑफ यू जितने भी लोग यार आ जाओ आप

कायदे में बोलूं तो फिजिक्स यार मजेदार फिजिक्स यहीं से इसी चैप्टर से स्टार्ट होती है जहां से मैं काइनामेटिक्स में एंटर करता हूं इससे पुराने सेशंस अगर आप देखेंगे प्रारंभ के बैचेस में तो अभी तक हमने लास्ट में बेसिक मैथ्स के वन और टू सेशन कंप्लीट किए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे एंड जिन जिन लोगों ने नहीं देखा है प्लीज उनको देख लेना उससे पहले यूनिट्स एंड डायमेंशन किया था तो ये थोड़े फिजिक्स कम और मैथामेटिक्स के ज्यादा टॉपिक्स थे थोड़े रोट लर्निंग के भी टॉपिक्स ज्यादा थे बट जो असली मजेदार फिजिक्स है वो आज से स्टार्ट होगी सेशन से जो कि है मोशन so फड़ पहला टॉपिक है? है मुद्दे की बात यह है कि आगे बढ़ने से पहले और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तक जाने से पहले या उसके आगे वेलोसिटी एक्सेलरेशन बताने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज हो जाती है पोजीशन डिफाइन करना क्या है पोजीशन सर तो देखो मैं यहां पे हूं मैं सपोज करते हैं, मैं नोएडा में हूं ओके okay. अब नोएडा में अगर मैं आपको बोल देता हूं तो आपके दिमाग में तुरंत आइडिया आ जाएगा ओके सर नोएडा यहां है आप यहां होगी ओके okay, डन और मैं एड्रेस बता दूँ नोएडा में मैं इस सेक्टर में रहता हूं उसके इस ब्लॉक में रहता हूं तो आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा अब सोचो ये एड्रेस का काम क्या हुआ इस एड्रेस ने आपको क्या बताया इस एड्रेस ने आपको बेसिकली मेरी पोजिशन का आइडिया दे दिया समझ रहे हो मेरी पोजीशन का आइडिया दे दिया अब सपोज मैं बोलता हूं कि मैं नोएडा से उठ के मुंबई चला गया तो आपको उस मेरे एड्रेस से आपको एक पता चल गया कि यार हां सर इस तरह से इस जगह तक गए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गए मतलब सोच रहे हो ये नोएडा मुंबई ये लोकेशन बताने से आइडिया क्या देता हूं मैं आपको मेरी पोजीशन का मेरी पोजीशन का और अगर मैं आइडिया ना बताऊं बोलो आज मैं यहां था कल मैं वहां हूं क्या आप समझ पाओगे मैं कितना चला या कितना मूव हुआ मेरा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ तो एक चीज तो मिसिंग है बस ऐसे बताने में कि मैं यहां था और यहां से वहां चला गया यहां से वहां क्या होता है यार यहां से वहां तो हर कोई करता रहता है और यहां से वहां को ढंग से बताने के लिए सामने वाले को एक्सप्लेन करने के लिए उस यहां और उस वहां की पोजीशन बताना जरूरी है समझ रहे हो इस बात को तो ऐसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन डिफाइन करने से पहले उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताना आवश्यक है उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन वो कहां पे अभी है बाद में कहां था और कहां रहेगा ये सब बताना जरूरी है और क्योंकि अभी हम वन डायमेंशनल मोशन तक ही अपने को सीमित रखेंगे तो हम अभी पोजीशन भी वन डायमेंशन में बताएंगे ये पोजीशन आगे आगे चल के टू और थ्री में जाएगी इससे आगे बढ़ने की कोशिश और सोच मत रखना क्योंकि हम थ्री डायमेंशनल बींग्स हैं हमारे लिए चौथा डायमेंशन होता नहीं है ठीक है सो so अभी हम फॉर द टाइम में थोड़ा सेशन को इस पे रखेंगे और वन डायमेंशन के अलॉन्ग बताएंगे और एक स्टैंडर्ड वन डायमेंशन एक्सेस हम हमेशा एक्स को लेते हैं। एक स्टैंडर्ड वन डायमेंशनल एक्सेस हमेशा हम एक्स को लेते हैं अंजलि वर्मा गुड इवनिंग यार गुड इवनिंग हाउ आर यू सो देखो एक्स एक्सिस और मेरा आ, मतलब मोस्टली मैं वन डायमेंशन को यहां पे अभी किससे डिफाइन करूंगा एक्स से और वो आगे जाके जैसे टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन में जाएगी वही एक्स मेरा आर बन जाएगा पोजीशन वेक्टर बन जाएगा ठीक है so, सो मुद्दे की बात सबसे पहले ये है कि किसी भी चीज किसी भी मोशन को डिफाइन करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटी डिफाइन करना जरूरी होता है जिसे हम बोलते हैं पोजिशन और पोजिशन वैक्टर ठीक है कैसे डिफाइन करते हो सर तो देखो पोजिशन वैक्टर डिफाइन करने के लिए जैसे सपोज करते हैं कि हम सबको हम सबको एक जगह पता है हम सबको एक जगह पता है एक मेन मार्केट मान लेते हैं चलो नोएडा में हम नोएडा में है हम उसका एक मेन मार्केट है यहाँ पे ठीक है इसका एक ये मेन मार्केट है अब ये मेन मार्केट से मेन मार्केट से मैं बोलता हूं मैं इस मेन मार्केट से आगे की तरफ बढ़ा हूं सौ मीटर आगे और तुम कहां पे हो हो इस मेन मार्केट से पीछे की तरफ हो, 150 मीटर तो हम दोनों बता सकते हैं ना हमारे बीच में दूरी कितनी है कहा कि डेढ़ सौ प्लस सौ यानी ढाई सौ सिंपल सी चीज हाँ सर बिल्कुल सही बोला आपने अब मुद्दे की बात यह है अब इस पोजिशन को डिफाइन करने के लिए भी मैंने एक पॉइंटर का यूज किया जो है मेन मार्केट मेन मार्केट से मैं सौ मीटर आगे हूं मेन मार्केट से तुम सौ मीटर पीछे हो तो मेन मार्केट क्या हो जाता है रेफरेंस पॉइंट तो किसी भी चीज की पोजीशन डिफाइन करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट भी जरूरी है तो नॉर्मली एक्स एक्सिस में वो रेफरेंस पॉइंट कौन सा हो जाता है जीरो ओरिजिन ओरिजिन समझ रहे हो एक रेफरेंस पॉइंट का काम ये रहता है कि रेफरेंस पॉइंट के हेल्प से हम पोजीशन बताते जैसे मैं बता दूं कि सर ये कार जो थी शुरुआत में यहां पे थी एक्स इक्वल टू एट थे थोड़ी देर के बाद सर ये कार यहां से बता रहा है जीरो के रिस्पेक्ट में पोजिशन तो जीरो क्या हो गया तुम्हारा जीरो हो गया तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट तो ये दोनों ही चीजों की अहमियत को समझो इसके बिना जिंदगी नहीं चलती इसके बिना ना मोशन हो सकता है ना अपनी जिंदगी चल सकती है ना आप चीजों को समझ सकते हो कि मैं बताऊं ही नहीं, मैं कहां पे और कहां, से कहां जा रहा हूं करने के बाद, करते हैं तो आप पोजिशन डिफाइन कर दी एक्स एट और एक्स माइनस फोर उस हिसाब से हो सकता है ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तो होती है वो होती है पोजिशन और इसके ऊपर मैं एक ऐसा डंडा बनाऊंगा जिसमें एक एरो इसका असली मतलब आप समझोगे इसके अगले टॉपिक में इसके अगले चैप्टर में जो कि होगा मोशन इन टू डायमेंशन जहां पे ये वेक्टर का असली मतलब समझ आएगा क्योंकि वहां पे वेक्टर एनालिसिस भी बताऊंगा बट बत अभी हाल फिलहाल के लिए इस टेढ़ी डंडी को ऐसा मान लो कि पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है क्या होती है पोजिशन पोजिशन एक वैक्टर क्वांटिटी होती है अच्छा सर ठीक है बढ़िया है सर समझ आ गया तो हमने पोजीशन डिफाइन कर ली ओके अब पोजीशन अगर आपने डिफाइन कर लिए तो अब नेक्स्ट चीज पे चलते हैं जो कि है मेरा डिस्टेंस डिस्टेंस समझ रहे हो अगली दो चीजें क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सिंपल सी चीज आप सभी को पता होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है चलो आओ समझते तो भाई तो भाई सुनो मैं था यहां पर मैं था सपोज करते हमारा रेफरेंस पॉइंट ये है ये है मेरा रेफरेंस पॉइंट ओके अब इस रेफरेंस पॉइंट से मैं था सर ये सीधी लाइन बना दी आपने ये से मैं पहले था सर यहाँ पे ठीक है यहाँ पे था ये मेरा इनिशियल पोजीशन था उसके बाद मैं सर यहाँ से देखो अगले दूसरे कलर से बनाता हूँ यहाँ से सर ऐसा ऐसा चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया फिर मेरे को थोड़ा लगा यार मैं कुछ भूल गया हूँ यहाँ पे एक स्टोर था यहाँ पे एक स्टोर था और वहां पे मैं कुछ भूल गया फिर मैं वापस आया वापस आया इधर उस स्टोर से मैंने सामान खरीदा और फिर मैं आगे चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता फिर आगे और जाके मेरी फाइनल पोजिशन होगी समझ लो यहाँ मेरी फाइनल पोजिशन होगी अब जरा ध्यान दो इस पर्टिकुलर पाथ पे इस पर्टिकुलर पाथ पे जिसपे मैं इधर जाके एक बार ऐसे पलटी मारा हूँ और फिर वापस ऐसे घोल घूम के इधर गया हूँ समझ रहे हो बात को और फिर ऐसा गया हूँ ठीक है अब बात आएगी अब बात आएगी अरे भाई मेरे भाई हाउ आर यू ऑफ बिल्कुल नहीं भूला मेरे भाई कैसे हो तुम यार बिल्कुल नहीं भूला देखो अब मुद्दे की बात यहां पे क्या आएगी ये इनिशियल पोजीशन ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन ठीक है ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन अब ये इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी बताओ क्या बताओ भाई डिस्टेंस बताओ गाड़ी कितना चली गाड़ी कितना चली ये बताओ तो गाड़ी चली भैया गाड़ी ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई यहां रुकी फिर पलटी 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 इधर गई फिर रुकी सामान खरीदा फिर आगे बढ़ी आगे बढ़ी आगे बढ़ी यहां पहुंची तो ये टोटल लंबाई जब बात करूंगा तो वो क्या हो जाएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो कहां से कहां गए कहां से कहां गए सर यहां से वहां गया खत्म बात तो शॉर्टेस्ट दूसरी यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी डिस्टेंस हो जाएगी सिंपल सी चीज सो डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल फाइनल पोजिशन के बीच में और distance होता है पूरी लंबाई कवर करके बताना displacement क्या होता है? Displacement हो जाएगा ये, डिस्टेंस हो जाएगा हो जाएगा? सर मेरा ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर, ऐसे गया, फिर ये ये हो गया मेरा डिस्प्लेसेंट डिस्टेंस ठीक है दिस इज माई डिस्टेंस एंड दिस इज माई डिस्प्लेसमेंट अब देखो डिस्टेंस में तो कोई समस्या नहीं है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस तो आप महारथ ही हासिल कर ही चुके हो ऑलरेडी है क्या ना आपकी कृपा यारे भाई मेरी कृपा तो कहां है यार मेरी कृपा नहीं है देखो सो डिस्टेंस तो कोई दिक्कत नहीं है डिस्टेंस तो सर हमें बच्चों बचपन से आता है टोटल लेंथ पाथ कवर्ड है सिंपल सी चीज उसमें छोड़ो डिस्टेंस की बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं अब डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कैसे किया जाता है तो डिस्प्लेसमेंट को लिखने का एक तरीका है डिस्प्लेसमेंट को एक लिखने का तरीका है क्या है सर तरीका क्या है सर तरीका, है सर तरीका? तो इसी के हेल्प से बताता हूं इसी के हेल्प से बताता हूं यहां रेफरेंस पॉइंट था फाइनल पोजिशन ये थी हाँ जी सर इनिशियल पोजिशन ये थी देखो फाइनल पोजिशन ये थी हा सर इनिशियल पोजीशन ये थी क्या अरे हाँ सर अब मुझे बताओ अब मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा तुम्हारा दिमाग क्या बोलता है डिस्प्लेसमेंट बोलता है सर ये दूरी प्लस ये दूरी दोनों ऐड कर दो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हां मान लिया लेकिन ऐसे थोड़ी बताओगे ये दूरी प्लस ये दूरी इसको मैथमेटिकली बताओ इसको मैथमेटिकली बताओ तब तो मजा आएगा तो मैथमेटिकली समझाते ये फाइनल पोजिशन इस रेफरेंस पॉइंट के हेल्प से बता सकते हो क्या हाँ देखो ये हो गया मेरा फाइनल पोजीशन मतलब यहां से खड़े होके सर उधर खड़ा हुआ है ये है फाइनल पोजीशन ये मेरी फाइनल पोजीशन जैसे मैं एक्स एफ बोलूंगा अच्छा इसी की हेल्प से ये रेफरेंस पॉइंट की हेल्प से इनिशियल पोजीशन बता सकते हो क्या हाँ सर यहां से ऐसे इधर खड़ा हूं तो इधर दिख रहा है सर इनिशियल पोजिशन तो ये इनिशियल पोजिशन एक्स आई हो गया ओके सर ये पोजीशन तो वेक्टर क्वांटिटी होती है ना

क्या मैं उसको प्लस एफ बोल सकता हूं क्या प्लस एफ क्यों क्योंकि एफ तो दूरी हो गई इतनी दूरी और वो दाएं की तरफ है उस तरफ जा रही है और ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है बिल्कुल बोल सकते हो इनिशियल पोजिशन को इनिशियल पोजिशन को क्या मैं माइनस एक्स आई बोल सकता हूं माइनस 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 क्यों? क्यों? अब एक्स इसलिए बोल सकता हूं क्योंकि यहां से पीछे की तरफ जा रही है कहां जा रही है उस तरफ जा रही है और उस तरफ जा रही है तो इसको कैसे बताओगे मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करोगे एक नेगेटिव साइन लगा के लगा दिया क्या नेगेटिव साइन सर लगा दिया नेगेटिव साइन

तुम पहले बताओ डिस्प्लेसमेंट कैसा डिस्प्लेसमेंट तो सर देखो सिंपल सी चीज है एक्सएफ प्लस एक्स आई है ये दूरी प्लस ये दूरी है सिंपल सी चीज ये दूरी प्लस ये दूरी है, है ना अब एक्सएफ को क्या लिख लेंगे सर एक्सएफ तो आर एफ था एक्सएफ तो आर एफ था हाँ यार बिल्कुल पूरा वेक्टर और एक्स आई क्या था इसको क्या मैं नेगेटिव ऑफ इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एक्सएफ माइनस ऑफ माइनस एक्स आई लिख सकता हूँ बिल्कुल नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव तो माइनस एक्स आई क्या है माइनस एक्स आई तो सर आ रहा है तो देखो यहां आ गया आंसर मेरा ये आ गया मेरा आंसर कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना भाई लोगों जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है ये फॉर्मूला तुमको याद रखना है ठीक है डिस्प्लेसमेंट जो होता है डिस्प्लेसमेंट जो होता है डिस्प्लेसमेंट जो, जो, जो होता है वो क्या होता है चेंज इन पोजीशन चेंज इन पोजीशन इसका मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ये वेक्टर बनाया है ना इसकी अहमियत अभी समझ में आएगी तुम लोगों को ऊपर जो ऐसा एरो बना रहा हूँ ना ये बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है ऊपर जो ये एरो बना रहा हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है इसकी अहमियत तुम लोगों को आज समझ में आएगी ठीक है इसकी अहमियत तुम लोगों को समझ में आएगी कब आएगी इसके अगले चैप्टर में जब यही फॉर्मूले तुम देख रहे हो ना बाद में भी लगेंगे यही फॉर्मुले कहा लगेंगे बाद में भी लगेंगे और बहुत मजेदार तरीके से लगेंगे ठीक है सो चेंज इन इन कौन दिखाता है 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 कैसे क्या पता चलती है? पता चलती चलती डिस्प्लेसमेंट तो क्या हम ये फॉर्मुला याद रखेंगे सर क्या हम डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट को, को बच्चों जैसे डिस्टेंस मानेंगे यार मान लो शॉर्टेज डिस्टेंस रट लो लेकिन कायदे में अब तुम थोड़े बड़े हो रहे हो तो तुम्हें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपसे डिस्प्लेसमेंट होगा चेंज चेंज इन पोजिशन क्या होगा डिस्प्लेसमेंट सर डिस्प्लेसमेंट होगा चेंज इन पोजिशन आर एफ क्यों लिखे हैं सर बेटा आर एफ को मैंने फाइनल पोजिशन एक ऐसी नामकरण दे दिया है इसका घर का नाम रख दिया इतना बड़ा बार बार थोड़ी लिखूंगा फाइनल पोजिशन इनिशियल पोजिशन तो फाइनल पोजिशन को मैंने आर एफ और ऊपर एक ऐसा डंडा लगा दिया दिखाने के लिए कि ये एक वैक्टर क्वान्टिटी है ऐसे ही आर आई को क्या ले दिया मैंने इनिशियल पोजिशन को आर आई जो सब्सक्रिप्ट में आर आई और आर एफ लिखा एफ यानी फाइनल I मतलब initial और जो जो होता 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 uh, होता है 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 ना दिखाने दिखाने के लिए. R जो होता है, general variable होता है के लिए position दिखाने के लिए लिए किसके समझ रहे हो बात को so, R यहां पे मेरा दो बार माइनस लिख दिया प्लस की जगह मैंने क्या रखा दो बार माइनस रख दिया देखो एक माइनस यहां एक माइनस यहां और ये नेगेटिव एक्स आई क्या था ये आ रही था तो उसकी जगह आर रख दिया तो ये आर माइनस आर आई आ गया मतलब डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या होता है चेंज इन पोजिशन तो आगे से मैं अब बड़ा हो गया हूं और मैं कौन सा फॉर्मूला याद रखूंगा डिस्प्लेसमेंट का ये डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजिशन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है चेंज इन पोजिशन सिंपल सी चीज ठीक है अंजलि समझ आया तुम्हें तो आगे से डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या होगा मेरी नजरों में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो समझने के लिए लेकिन बोलने के लिए क्या आर एफ माइनस आर आई आर एफ माइनस आर आई आर एफ माइनस आर आई ये फॉर्मूला आपका मोशन इन टू डी में वैलिड होगा मोशन इन थ्री डी में वैलिड होगा मतलब डिस्प्लेसमेंट को मैं डेल्टा आर समझूंगा ठीक है सर ओके तो डिस्प्लेसमेंट बता दिया सर आपने डिस्टेंस भी बता दिया क्या बात है अब देखो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है मेरा वो वेक्टर क्वांटिटी होता है डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है वो भाई पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब होगा वो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब होगा जैसे कि मैं यहां खड़ा हूं मैं यहां खड़ा हूं मैं इधर गया फिर मैं आगे गया फिर मैं वापस आ गया देखा मैंने क्या किया मैं ट्रायंगल गया इधर गया उधर गया और सीधा इधर आया ओके अब मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई शून्य सिंपल सी चीज शून्य शून्य क्यों शून्य इसलिए मात्र क्योंकि मैं सेम पोजिशन पर वापिस आ गया ओके डिस्टेंस जीरो है बिल्कुल नहीं डिस्टेंस तो है अब सोचो मैं इस जगह से हिली नहीं रहा हूं

ऑन द कॉन्ट्री डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है तीनों चीजें हो सकती है तीनों की तीनों चीजें हो सकती है अच्छा सर ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और अब उस टॉपिक को उठाते हैं जिससे मैक्सिमम सवाल आते हैं जिससे इस साल नीट 2023 में क्वेश्चन भी आए सर यू आर नॉट गेटिंग व्हाट यू डिजर्व अच्छा ओके okay? <laughs> क्या नीट डिजर्व क्या कर रहा हूं भाई मैं व्हाट शुड आई डिजर्व हर्ष टेल मी व्हाट शुड आई डिजर्व टेल मी देखो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या है इससे मैक्सिमम सवाल आते हैं इस साल भी आए नीट 2023 में भी आए पिछले सालों में भी आते हैं और तो और एक और मजे की बात बताता हूं कि जब ग्रेजुएशन कर लेते हो ना और ये एग्जाम होते हैं सरकारी कॉलेज सरकारी नौकरियों वाले एसएससी हो गया पीएससी हो गया इवन यूपीएससी का जो यूपीएससी का आई का पेपर होता है ना उस आई के पेपर में एक सी सेक्शन होता है उसमें भी इसके सवाल आते हैं सोचो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी इसके सवाल यहां पे तो आ ही रहे हैं तुम्हें नीट में साथ साथ ही आपके पीछे में भी आता सर आपने पिछले पीछे डिस्प्लेसमेंट में जीरो और पॉजिटिव लिखे हो डिस्प्लेसमेंट में नहीं बेटा डिस्टेंस ओ ओ ओ ओ आई एम सॉरी आई एम सॉरी डिस्टेंस में डिस्टेंस में इसमें पॉजिटिव होगा और जीरो होगा इसमें पॉजिटिव होगा और जीरो होगा डिस्प्लेसमेंट में पॉजिटिव जीरो और नेगेटिव भी होगा ठीक है अब सही है अब सही अंजलि एकदम सही बोला थैंक यू यार इसमें पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो होगा लेकिन डिस्टेंस में मात्र पॉजिटिव और जीरो होता है ठीक है ओके देखो क्या बता रहा हूं मैं एवरेज हाँ, स्पीड एवरेज वेलोसिटी भाई भयंकर भयंकर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भयंकर क्योंकि यहाँ तो यूज होगा जेई में भी यूज होता है साथ ही साथ सरकारी एग्जाम जिससे नौकरियां मिलती है उसमें भी सवाल आते हैं तुम्हारे कोई बड़े भैया दीदी मम्मी पापा किसी ने भी दिया हो एस का एग्जाम उनसे जाके जो सवाल आज कराऊंगा ना पूछना अगर उन्होंने सरकारी एग्जाम निकाला है और दिया है ना अगर तैयारी भी की है तो सॉल्व करके दिखा देंगे तुम्हें ठीक है तो बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हो जाते हैं एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के और बहुत लड्डू है सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है लेकिन वो फॉर्मूला बेस्ड भी नहीं लगा पाते यार यही तो समस्या फॉर्मूला बेस्ड में भी हालत हो जाती तो चलो देखते हैं एवरेज स्पीड का सिंपल फॉर्मूला ट्रेवल की उतना डिवाइडेड बाय टाइम और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम एवरेज वेलोसिटी का कितना होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम समझ गए एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी कितना होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन अपॉन टोटल 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 टाइम टाइम और एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ठीक है इंस्टेंटेनियस में आगे बढ़ेंगे पहले सवाल कर लेते हैं पहले सवाल करते हैं सर तब मजा आएगा फटाफट जरा मेरा साथ देना यार क्या पता मुझे ना बनता हो क्योंकि मैंने सरकारी एग्जाम की तैयारी नहीं की बट देखी है तो तुम लोग जरा इसका आंसर बता के बताओ यार मैंने तो नहीं की तैयारी क्या पता तुम लोग निकाल लो आगे बड़े चल के तुम सरकारी एग्जाम की तैयारी करना चाहो तो उसमें बड़ी हेल्प मिलेगी क्वेश्चन ये बोलता है कि पार्टिकल ट्रेवल्स हाफ ऑफ इट्स डिस्टेंस विथ स्पीड वी वन एंड अदर हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड वी टू इसमें दो स्टैंडर्ड केसेस है एक ये वाला और ये दूसरा ये वाला ये होता है आधे टाइम वाला और ये होता है आधे डिस्टेंस वाला तो मैंने दोनों ही केस ले लिए कल को तुम कंफ्यूज मत हो एक में आंसर v1 वन प्लस वी टू बाई आता है दूसरे में आता है टू वी वन अपन वी वन प्लस ठीक है तो दोनों ही सिनेरियो देखते हैं दोनों ही केस यहां पे हैं तो केस के अलावा कोई केस होगा ही नहीं इसके अलावा कोई केस होगा नहीं तो इसी दो केसेस से आएगा तो पहला सिनेरियो ये है भाई आधी दूरी उसने की वी वन से आधी दूरी उसने ट्रेवल की वी वन से और आधी दूरी उसने ट्रेवल की किससे वी टू से यहां तक की दूरी उसने की वी वन से यहां तक की दूरी उसने की वी टू से अच्छा सर ठीक है अच्छा ये आधी आधी दूरियों को मैं क्या बोल लू एक्स बाय टू एक्स बाय टू बोल लेते हैं यार एक्स बाय टू एक्स बाय टू बोल लेते हैं है कि नहीं ये एक्स बाय टू वो एक्स बाय टू सिंपल सी चीज ओके चलो देखो एक्स 2, x बाय टू हो जाएगी अब यहां पे टाइम कितना होगा इसका टाइम ये आधी दूरी करने के लिए उसको वेलोसिटी really, इस आधी दूरी के लिए उसको विलोसिटी वेट होती तो एवरेज स्पीड कितना होगा फॉर्मूला याद है क्या फॉर्मूला याद है एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम अपॉन टोटल टाइम ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है टोटल डिस्टेंस कितना है सर एक्स बाय टू प्लस एक्स बाय टू यानी एक्स बाय टू प्लस एक्स बाय टू ये टोटल डिस्टेंस और टाइम कितना होगा तो सर यहाँ से यहाँ तक जाने का एक अलग टाइम होगा और यहाँ से यहाँ तक जाने का एक अलग टाइम होगा यहाँ का टाइम मान लेते हैं टी वन है और यहाँ का टाइम मान लेते हैं टी टू है ठीक है सो टी वन प्लस टी टू अब टी वन की वैल्यू बताओ टी वन की वैल्यू कितनी होगी t1 की वैल्यू कितनी होगी सोचो जरा t1 की वैल्यू कितनी होगी सर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था ना तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होता तो t1 कितना होता है जितनी भी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय वेलोसिटी तो x/2 डिवाइडेड बाय v1 यानी x/2 डिवाइडेड बाय v1 ये मेरा t1 हो गया और दूसरा x/2 डिवाइडेड बाय v2 ये मेरा t2 हो गया ठीक है x/2 डिवाइडेड बाय v1 मेरा t1 हो गया x/2 डिवाइडेड बाय v2 मेरा t2 हो गया तो t1 हो गया t2 हो गया, t2 हो गया t1 t2 करना है ऊपर न्यूमरेटर में x/2 x/2 है क्या बात है सर तो यहाँ से एवरेज स्पीड क्या आएगा यार यहाँ से एवरेज स्पीड क्या आएगा बॉस एवरेज स्पीड की वैल्यू हो जाएगी ऊपर तो आ रहा है x नीचे क्या आ रहा है नीचे आ जाएगा x/2 v1 x/2 v2 अच्छा क्या बात है यहां से x x x कैंसिल कर लो टू v1 वन टू कॉमन हो के ऊपर चला जाएगा अब तुम लोगों को देखो इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है आई नो नीट वालों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी में आती है काम करो वन बाई टू कॉमन ले लो तो ये क्या आ जाएगा वन अपॉन वी वन प्लस वन अपॉन वी टू ठीक है फिर ये एलसीएम ले लो कॉमन फैक्टर वी वन वी टू ऊपर आ जाएगा वी वन प्लस वी टू टू वी वन वी टू ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाता है टू वी वन वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू ठीक है 2v1 v2 v1 v2 ये आ जाता है मेरा क्या एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड मोर व्यूज यार हर्ष यस यस देर आर लेस व्यूज नो प्रॉब्लम यार कोई दिक्कत नहीं मेन मुद्दे की बात व्यूज नहीं है मेन मुद्दे की बात पता है क्या है कि मैं जो पढ़ा रहा हूं आपके काम का है कि नहीं है मैं व्यूज के लिए नहीं पढ़ा रहा मैं व्यूज के लिए पढ़ाता तो थोड़ा नाच लेता ठीक है मैं पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोगों को कुछ लर्निंग आउटकम मिले यार मेरा आइडिया सिंपल सा है आ, मेरा आइडिया सिंपल सा है यार लर्निंग आउटकम होना चाहिए एक कोई भी बंदा सिंगल बंदा भी आ रहा है ना क्लास में बैठ रहा है तो कुछ सीख के जा रहा है मतलब टेक अवे एलिमेंट होना चाहिए मेरे हिसाब में समय सबसे ज्यादा कीमती है पैसे से भी ठीक है तो आप कहीं भी अपना समय देते हो अपने दोस्तों के साथ मेरे साथ किसी के भी साथ मां बाप को मत लाना इस सेक्शन में क्योंकि पेरेंट्स की जगह अलग होती है बट किसी भी अननोन पर्सन के साथ अगर आप अपना समय व्यतीत करते हो तो कुछ टेक अवे एलिमेंट जरूर होना चाहिए अब टेक अवे एलिमेंट क्या होता है वो कुछ भी हो सकता है ज्ञान हो सकता है पर्सनालिटी हो, हो, हो सकती है कुछ ट्रेड्स हो सकते हैं कुछ अच्छी चीजें हो सकती हैं बुरी चीजें भी हो सकती हैं बुरे भी कोई दिक्कत नहीं यार थोड़ी बहुत बुरे तो होने भी चाहिए पूरे अच्छे हो जाओगे तो क्या बुरा है कि नहीं सो so, टेक अवे टेकअेलिमेंट जरूर लेके जाना यार टेक अवे में हो सकता है तुम फिजिक्स के कुछ concept ले जाओ नहीं तो maximum बच्चे तो मुझे बोलते हैं सर हम आपके जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका लेके जाते हैं तो तुम वो लेके जाओ खत्म बात तुम तीन जगह चार जगह पांच जगह पढ़ लो मेरे पास आओ तो तुम ये देखो कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर लेते हैं ओरली मेंटली क्योंकि मैं मैग्सिम कैलकुलेशन मेंटली करता हूं कलम का कम यूज करता हूं और मेंटल कैलकुलेशन बहुत यूज करता हूं जैसे कि कैलकुलेशन समझ नहीं आई सर देखो यार मैं बोल ही रहा था भी नहीं समझ आया होगा तो देखो क्या करना अपने को इसको ऐसे इसको हटाओ अरे यार कहा गया ये ऐसे हट गया ये ऐसे हट गया अब देख भाई अंजलि देख भाई कैसे करना अपने को

Divided by V1, V2. अब देखो ये ये हो जाएगा ये denominator का भी denominator है क्या है ये 2 V1, V2. तो ये ये तो के में चला जाएगा, ये चला जाएगा गया और अब अब क्या रह जाएगा V1 plus V2. तो ये हो गया मेरा ठीक है शायद समझ आ गई होगी है ना सो so, इसमें क्या आ जाती है अब देखो नेक्स्ट केस केस टू है केस वन सॉल्व कर लिया अब केस टू पे चलते हैं अब केस टू पे चलते हैं ठीक है केस V1, V2. आधा समय, यहां पे देखो, पिछला केस क्या है है बेसिकली ये कि आधा समय अब वो कर रहा है V1 से, और अदर बाकी जो दूसरा समय है, वो V2 से अब बताओ टोटल एवरेज स्पीड कितनी है तो सेम चीज यहाँ पे इधर से चालू करना है यहां से यहां तक जाना है अब यहां से यहां तक जाना है ये कतई मत सोचना कि दोनों दूरियां बराबर है क्योंकि यहां दूरी बराबर नहीं है यहां पे समय बराबर है तो यह डिस्टेंस होगा मेरा x1, ये डिस्टेंस होगा मेरा x2, समझ रहे हो यहां जो समय होगा टोटल टाइम t है तो यहां पे समय हो जाएगा t बाय टू और स्पीड थी v1, वन यहां जो समय हो जाएगा वो t टू बाय टू और यहां वेलोसिटी होगी वी टू सिंपल सी चीज ये थी। है। डायग्राम बना लो मजा आ जाता है।, पता है, ना क्या करना है घर जाना सेशन के बाद की तैयारी की तो तो मतलब हो जाएगी एक्स वन की वैल्यू हो जाएगी वी वन इंटू टी बाई टू वी वन इंटू टी बाई क्या होगी एक्स वन की वैल्यू और एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स की वैल्यू हो जाएगी सर वी टू इंटू टी सिंपल यार स्पीड इनटू वेलोसिटी तो होता है ना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट स्पीड इनटू वेलोसिटी तो होता है अब क्या करना है एवरेज स्पीड निकालना है एवरेज स्पीड निकालना है एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन तो टोटल डिस्टेंस क्या है टोटल डिस्टेंस है x1 x2 डिवाइडेड बाय जो टोटल टाइम था यानी कि t 2 t 2 अच्छा x1 क्या था x1 था सर v1 t 2 अच्छा x2 क्या था x2 था सर v2 टू इंटू टी बाई टू बहुत बढ़िया और नीचे कितना है? हो हो जाएगा टी टू प्लस टी टू हो जाएगा टी, सिंपल। अब देखो मजे की बात सेमन वी वन प्लस और नीचे लिखा हुआ है एक तो ये डिनोमिनेटर वाला टी न्यूमिनेटर वाले तो टी को काट देगा ये इधर चला जाएगा इसके डिनोमिनेटर में तो यह आ गया वी वन प्लस वी टू बाय टू बाय टू ठीक है सो so, यहाँ पे एवरेज स्पीड जो आती है वो आती है वी वन प्लस वी टू बाय टू अब क्या इस केस को हम याद रखेंगे क्या इस केस को हम याद रखेंगे बहुत स्टैंडर्ड सा केस है कि कभी भी हम लोगों को आधी दूरी आधी दूरी v1 से बाकी आधी दूरी v2 से देगा तो एवरेज स्पीड टू वी वन वी टू अपन वी वन प्लस वी टू और आधा समय v1 से और बाकी आधा समय v1 v2 से तो v1 प्लस वी टू बाई टू समझ गए क्लियर है याद रखेंगे कि नहीं रखेंगे केस वन किसका है केस वन है आधी दूरी का केस वन किसका है भाई आधी आधी दूरी का क्लियर है आधी अरे यार ऐसी तैसी हो रखी है मेरी हिंदी की अच्छे से लिखूंगा मैं अच्छे से लिखूंगा आधी दूरी का और केस टू किसका है केस टू है आधे समय का ठीक है क्लियर है आधे समय वाला केस और आधी दूरी वाला केस आधे समय में V1 V2 बाई टू और आधी दूरी में ठीक है आई थिंक पूरा एनालिसिस क्लियर है और क्लियर है तो फिर ये वाला सवाल भी कर देते हैं अगर क्लियर है तो ये वाला सवाल भी कर देते हैं जल्दी भाई हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन तक जाना है आज का चैप्टर का नाम ही इक्वेशंस ऑफ मोशन तो मोशन कंप्लीट करते हैं उसकी डिटेलिंग उसके बाद फिर इक्वेशन ऑफ मोशन पे चलेंगे अब देखो ये बोलता है कि भाई बॉडी ने एक तिहाई अपनी जर्नी कवर की वेलोसिटी दो मीटर पर सेकेंड से ठीक है अगली एक तिहाई जर्नी अपन ने कंप्लीट की वेलोसिटी तीन मीटर पर सेकेंड से ठीक है और बाकी बची हुई जर्नी कर ली छह मीटर पर सेकेंड पे अब क्वेश्चन ऑफ द मिलेनियम क्वेश्चन ऑफ दिस मिलेनियम यह है कि बची हुई दूरी कितनी है मतलब एक दूरी का एक बटा तीन हिस्सा उसने विवन से ट्रेवल किया ठीक है ओके टोटल मान लेते हैं एक्स था टोटल मान लेते हैं, X था तो एक्स बाय थ्री उसने कितने में किया v1 वेलोसिटी के साथ ठीक है आ, v1 नहीं दो दिया हुआ है, तो दो ले लो दो दिया है, तो दो ले लेते ना यार टू मीटर पर सेकेंड से फिर उसका अगला उसका अगला उसका अगला एक्स बाय थ्री एक तिहाई उसने किया कितने से तीन मीटर पर सेकेंड से ठीक है उसका अगला उसका अगला कितने से किया छह मीटर पर सेकेंड से अब मुद्दे की बात यह बचा हुआ कितना हिस्सा है बचा हुआ कितना हिस्सा है क्वेश्चन भयंकर भयंकर टफ क्वेश्चन ये बचा हुआ हिस्सा कितना है यार ये x बाय थ्री हो गया एक्स बाय थ्री हो गया तो बचा हुआ भी तो x बाय थ्री होगा ना यार है कि नहीं टोटल x में से टू एक्स बाय थ्री माइनस कर दो टोटल x में से x बाय थ्री माइनस कर दो तो कितना आंसर आएगा सिंपल उतना ही आएगा जितना लिखा हुआ है है कि नहीं x, by 3, x में से टू एक्स बाय थ्री माइनस कर दोगे तो कितना आंसर आएगा इतना ही तो आंसर आएगा समझ रहे हो तो अब बता दो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी एवरेज वेलोसिटी कितनी है बॉडी की चलो सर देखते हैं एवरेज वेलोसिटी कितनी है तो एवरेज वेलोसिटी यहां पे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा क्या फॉर्मूला तो वही रहेगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है x और टाइम कितना भाई इसका t1 इसका t2 इसका t3 इसका t1 कितना हो जाएगा x बाय थ्री डिवाइडेड बाय टू इसका t2 कितना होगा x बाय थ्री डिवाइडेड बाई थ्री और इसका t3 कितना होगा x बाय थ्री डिवाइडेड बाई सिक्स क्या बात है क्या बात है बढ़िया अब यहां पे क्या करना है एलसीएम ले लेना तीनों का तीन तीन तीन, तीन तो ऊपर चला जाएगा देखो एक्स 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 कॉमन होके इससे कैंसिल हो जाएगा ये वन बाय थ्री कॉमन ले लो ये वन बाय थ्री वन अपॉन वन बाय थ्री को कॉमन ले लो ठीक है यहां पे डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा छह आ रहा है क्या डिनोमिनेटर यहाँ पे छह आ जाएगा दो ते तो यहाँ तीन आ गया तीन दुनिया का छ यहाँ पे दो आ जाएगा और छम छह यहाँ पे एक आ जाएगा सिंपल सी चीज ठीक है सो so यहाँ पे टू थ्री जो सिक्स थ्री टू जो एंड सिक्स वन जो सो थ्री टू वन आ जाएगा थ्री प्लस टू प्लस वन सिक्स ये भी छे छे इससे डिनोमिनेटर ऑफ द डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा ये आ गया थ्री मीटर पर सेकेंड आंसर है क्या हाँ सर ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए क्लियर है कि नहीं है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो गए ठीक है मतलब हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया किसका एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी का तो अब हमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए यार अब हमें एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी की कोई समस्या तो नहीं आनी चाहिए और भी कोई टफ क्वेश्चन होगा अपने रूट फॉर्मुले को नहीं भूलेंगे जो कि क्या बोलता है कि भाई एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम सिंपल एज दैट और कुछ नहीं ठीक है तो तीन क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आप लोगों को जो बताना था वो बता दिया अब आते हैं बात करते हैं एक और मजेदार चीज की जिसे बोला जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ठीक है एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बिल्कुल सही एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या बात है बहुत सही अंजलि एकदम सही बोला इसी फॉर्मुले को याद करना है और कभी नहीं भूलना अब देखो अब सिंपल सी चीज ये है अब सिंपल सी चीज ये है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है तो मैं घर से जा रहा था ठीक है मैं घर से निकला मैं जाने लगा तो घर से जब निकला मैंने आ, कार चलाई और भाई पहले तो मैं रेस्ट पे था फिर थोड़ी दूर के बाद मैंने गाड़ी फर्स्ट गियर में डाली स्पीड बढ़ाई बढ़ गई थोड़ी देर के बाद मेरी स्पीड हो गई पंद्रह मीटर पर सेकंड पंद्रह के एम पी एच सॉरी पंद्रह किलोमीटर प्रति घंटा पंद्रह मीटर पर सेकेंड तो बहुत ज्यादा स्पीड होती है तो पंद्रह किलोमीटर प्रति घंटा उसके बाद फिर मैंने ब्रेक दबाया क्योंकि मुझे मुड़ना था तो मेरी स्पीड हो गई चार चार किलोमीटर प्रति घंटा फिर मैं मुड़ा फिर मैं बढ़ा आगे तो मेरी स्पीड बढ़ती गई बढ़ती गई एक पॉइंट पे आके हो गई सर तीस किलोमीटर प्रति घंटा फिर मैं मुड़ गया फिर बीस पे मैंने मोड़ा फिर मेरे को स्टेट हाईवे मिला मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा ली साठ मीटर किलोमीटर प्रति घंटा तो मुद्दे की बात बताऊं क्या है यहाँ पे मुद्दे की बात यह है कि यार मेरे को नहीं जानना है एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड मेरे को मतलब नहीं है मेरे को क्या जानना है भाई रियलिटी में रहो ना यार रियलिटी क्या है रियलिटी ये है कि सर अलग अलग मोमेंट पे आप वेलोसिटी चेंज करते आ रहे हो यार आप कांस्टेंट से तो चल ही नहीं रहे हो घर से आप डेली निकलते कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से कौन मेंटेन करता है भाई मेरे को क्यों बोल रहे हो खुद को देखो तुम साइकिल कार बाइक जो भी चलाते हो तुम भी क्या एवरेज एवरेज वेलोसिटी मेंटेन कर पाते हो कि भाई हम चालीस से ही चलेंगे ना क्योंकि भारत की सड़कें ही ऐसी हैं हर दूसरी सड़क पे तो गड्ढा है मोड़ है कोई ना कोई आ जाता है मरने के लिए तो मुद्दे की बात यह है क्योंकि हर जगह तुम अलग अलग वेलोसिटी और स्पीड के साथ चल रहे हो तो एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड का फंडा तो गलत है आप वो तो मध्य की बात वो तो मजा ही नहीं देता रियलिटी है कि आप इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करो ठीक है आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करो ठीक इसी एक मोमेंट पे भाई मेरी कितनी स्पीड है या कितनी वेलोसिटी हुई किसी एक मोमेंट पे मेरी कितनी वेलोसिटी हुई तो उसको बताने का तरीका यह है कि हम उसमें यूज करते, करते कर हैं है? तो लोगों ने एक एक्स वेक्टर या आर वेक्टर से जानकारी तो ले है थोड़ा इसके साथ दोस्ती यारी कर ली है आर वेक्टर बेसिकली क्या बताता है ये पोजीशन वेक्टर बताता है दोनों के दोनों ही पोजीशन वेक्टर बताते हैं दोनों के दोनों पोजीशन वेक्टर ही बताते हैं ये दोनों ही पोजीशन वेक्टर बताते हैं ठीक है ये दोनों ही पोजीशन वेक्टर बताते हैं टू डायमेंशन वन डायमेंशन थ्री डायमेंशन सब में लागू होता है वन डी में टू डी में थ्री डी में सब में लागू होता है ये रिप्रेजेंटेशन मतलब पेट नेम है और ये बस वन डायमेंशनल मोशन के लिए लागू होता है तो अभी तुम इसके साथ दोस्ती कर लो थोड़ी बहुत कोई दिक्कत नहीं लेकिन मेन पॉइंट जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं ना यहाँ ये है कि अगर तुमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो पता है तुम्हें क्या करना पड़ेगा तुम्हें एक्स को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम समझ रहे हो लिमिट विमिट का कॉन्सेप्ट तुम छोड़ो अभी साइड में हटाओ मुद्दे की बात ये कि तुम्हें जो पोजीशन मिलेगी उसको अगर तुम डिफरेंशिएट कर दोगे ना डिफरेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो तुम्हें मिल जाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझ रहे हो बात को इसके बारे में करेंगे हम डिस्कशन कब करेंगे अगला सेशन हमारा कैलकुलस पे है मोशन का जानकारी कैलकुलस के माध्यम से तो उसमें हम इन सब के बारे में ही डिस्कशन करेंगे बड़ा प्यारा सेशन होगा मजेदार सेशन होगा कोई समस्या नहीं आएगी पूरा कैलकुलस का यूजेज आपको आ जाएगा मोशन में क्या होता है इसीलिए मैंने आज के सेशन में रखा ही नहीं नॉर्मली इसी इसी के साथ पढ़ाते मैंने रखा ही नहीं ताकि तुम लोग के बाउंसर ना चले जाए क्योंकि वही मेन दिक्कत आती है डिफरेंशियल कैलकुलस ही नहीं समझ में आता कि आ, मोशन में लगेगा कैसे इसलिए आज के में रखा ही नहीं लेकिन इसी के बारे में बात करेंगे तो अभी बस आप लोग एक आइडिया दिया है मैंने आइडिया क्या दिया है कि भाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी पॉइंट पे कैसे निकालते हैं डिफरेंशिएट करके पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करके पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम समझ रहे हो ठीक है ओके ये ग्राफ भी हम नेक्स्ट सेशन में ही देखेंगे ओके चलो तो बस एक आइडिया दे दिया मैंने कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऐसी आती अब चलो आगे बढ़ते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बीच में क्या एक रिलेशन होता है तो मैं अगर बोलूं क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पास कि एवरेज एवरेज स्पीड विल विल बी यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स है ये फिल इन द ब्लैंक्स और यहां पे लिख दिया एवरेज वेलोसिटी ठीक है और फिल इन द ब्लैंक्स में ऑप्शन नंबर ए है ऑलवेज इक्वल टू ठीक है ऑप्शन नंबर बी ऑलवेज ग्रेटर देन ऑप्शन नंबर सी ऑलवेज लेसर देन ऑप्शन नंबर डी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू बताओ कौन सा सही है कौन सा सही है इसमें से क्या ऑप्शन क्रमांक ए सही है ऑप्शन नंबर बी सही है ऑप्शन नंबर सी सही है कि ऑप्शन नंबर डी सही है एवरेज स्पीड क्या होता है एवरेज स्पीड क्या होता है सोचो जरा इसके बारे में तो सर एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड जो होता है एवरेज स्पीड जो होता है एवरेज स्पीड मेरा डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है यस yes! क्या बात है क्या बात है अंजलि बहुत बढ़िया ये होता है सर डिस्टेंस अपॉन टाइम ये होता है मेरा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अब मुझे ये चीज पता है कि डिस्टेंस जो है डिस्टेंस जो है वो हमेशा ही डिस्प्लेसमेंट के बड़ा होगा और एक केस में बराबर हो जाता है वो केस कौन सा बताता हूं तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी या बराबर होगी इससे तो इसीलिए यहां पे क्या बैठेगा ऑप्शन नंबर डी कि हमेशा बड़ा होगा या फिर बराबर हो सकता है वेलोसिटी से और और, और बराबर कब होगा बराबर ये होगा बराबर तब होगा जबकि वो दोनों एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं विदाउट टर्निंग बैक इफ अ ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्निंग बैक मतलब कि मैं सीधे सीधे चल रहा हूं सीधे सीधे चल रहा हूं और ये पलट के फिर वापस इधर आ गया और फिर वापस पलट के इधर चला गया ये नहीं होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए सिंपल सी चीज क्या होना चाहिए भाई सीधे जा रहे हो सीधे ही चलते रहो चीटिंग मत करो पलट के मत देखना पलट के मत देखना क्लियर है तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर कब होंगी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्निंग बैक नोट में लिखा था अरे यार ये तो नोट छुपाना पड़ता है यार कोई दिक्कत नहीं ठीक है ठीक है हाँ लिखा तो है कि एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू और मुद्दे की बात ये है ये समझना कि वो इक्वल टू कब होते हैं स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्निंग ओके ठीक है चलो सर बढ़िया अब एक्सेलरेशन पे आते हैं एक्सेलरेशन क्या है तो नॉर्मली जिंदगी में मैं कुछ फील कर सकता हूँ देखो ये बड़े मजेदार चीज़ है बहुत मजेदार चीज है नॉर्मल जिंदगी में मैं क्या फील करता हूं मैं क्या फील करता हूँ मैं वेलोसिटी फील करता हूँ मैं वेलोसिटी में चल रहा होता हूँ तो मुझे पता चलता है हाँ मैं किसी चीज को चलते हुए देखता हूं हु, तो मैं मान सकता हूँ कि वो मूविंग है मतलब तुम मोशन देख सकते हो और मोशन में तुम क्या देख सकते हो वेलोसिटी समझ रहे हो बात को तुम क्या देख सकते हो वेलोसिटी क्या कोई कभी एक्सेलरेशन देख सकता है नहीं नहीं देख सकता

कभी ये फील हुआ कि पृथ्वी गोल घूम रही है चक्कर मार रही है भाई तुम उसके साथ मूव होते जा रहे हो और अगर तुम बताओ मैं एक चीज मजे की बात बताता हूँ एक बहुत मजे की चीज बताता हूँ हम यहाँ पे आ, अर्थ का जो नॉर्मली एक्सेस है वो थोड़ा सा टिल्टेड है बट चलो तब भी मैं स्ट्रेट मान लेता हूँ और यहाँ पे क्या यहां पे है यहाँ पे इक्वेटर है दिस इज बेसिकली जीरो डिग्री इक्वेटर ओके और इंडिया जो है समवेयर अराउंड इंडिया यहाँ पे लोकेटेड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, हमारे साची से पास होते के जाता है तो हम मतलब बेसिकली यहाँ अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे लोकेटेड है 63 पे तो इंडिया मोस्टली यहाँ कहीं लोकेटेड है इस रीजन में ठीक है इक्वेटर पे रहने वाला आदमी पता है कंटिन्यूसली गोल घूम रहा है और उसकी स्पीड बताओ कितनी है यहाँ पे रहने वाले आदमी की एक अर्थ की मोशन की वजह से स्पीड होती है सोलह सौ किलोमीटर प्रति घंटा सोच तुम तो, 1600 सो किलोमीटर प्रति घंटा क्लियर? 1600 सो किलोमीटर प्रति घंटा उस आदमी की वेलोसिटी बैठे-बैठे, बैठे-बैठे जब वो कुछ कर भी नहीं रहा, और हम लोग यहां पे कोई पोल में बैठा है रेस ज्यादा उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा रेस्पॉन्बल है कहीं किसी कंपनी का तो भी उसकी वेलोसिटी पता है कितनी जीरो ये वेलोसिटी इसको किसकी वजह से अर्थ के रोटेशन की वजह से उसे डेली इस वेलोसिटी से मूव करना है वरना वरना वो वो चक्कर ही नहीं मार पाएगा वरना वो अर्थ का पूरा चक्कर मार ही नहीं पाएगा क्लियर है अब यहां पे हमें यहाँ तो हमारे पास भी तकरीबन भाई हजार किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तो होगी सोच रहे हो तुम तो।, तो हमें वेलोसिटी फील नहीं होती है हम देख जरूर सकते हैं हम देख जरूर सकते हैं क्योंकि अगर एक रिमोट मूव हो रहा है तो तुम लोगों को दिख रहा है तो तुम्हें पता है इसकी वेलोसिटी है मानते हो ना तुम्हें दिखती वेलोसिटी है लेकिन तुम फील नहीं कर सकते तुम फील नहीं कर सकते क्योंकि अगर तुम इसमें जाके बैठ जाओगे जैसे ट्रेन ट्रेन है शुरू में चलती है ट्रेन शुरू में चलती है दिमें दिमें चलती है तो पता ही नहीं चलता आधे टाइम कंफ्यूज रहता हूं भाई कि बाजू वाली ट्रेन चल रही कि मैं चल रहा हूं बहुत लोगों के साथ होता होगा कि ट्रेन जब चलती है स्टार्टिंग में तो पता ही नहीं चलता तो पता क्या चलता है फील क्या होता है यहां मैं दो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों की बात कर रहा हूं पहली चीज कि दिखता क्या है दूसरा फील क्या होता है अंतर है दोनों में एक देखने का और एक समझने फील करने का जैसे प्यार माँ का प्यार माँ का प्यार फील होता है दिखता है कभी ऐसे तैरता हुआ आता है माँ के हाथों से या उनके मन से नहीं तो ऐसी माँ का प्यार फील होता है लेकिन आ... पड़ोसियों का प्यार दिखता है लेकिन ये पड़ोसी जब प्यार करते हैं तो दिखता है वो दिखाएंगे कि लो बेटा खा लो लो बेटा ये कर लो वो कर लो ये कर लो अरे तुम कितने अच्छे हो तुम कितने बुरे हो तो कुछ प्यार दिखते कुछ प्यार नहीं दिखते मैं वो बता रहा हूं सिंपल सी चीज कि यहां पे मोशन दिखता है लेकिन हमको फील क्या होता है फील होता है एक्सेलरेशन कैसे सर एग्जांपल दो अरे बस में हो बस में खड़े हो बस अचानक से चली तो पीछे की तरफ गिर जाते हो ना गिरते हुए नहीं गिरते गिरते हैं सर बस चल रही होती है चलती चलती रुक जाती तो आगे की तरफ लुढ़क जाते हो ना लुढ़क जाते हैं बिल्कुल सी चीज सिंपल सी चीज तो यही मुद्दे की बात बता रहा हूं कि एक्सेलरेशन फील होता है एक्सेलरेशन देखा नहीं जा सकता एक्सेलरेशन देखा नहीं जा सकता मतलब गाड़ी अगर चल रही है और अचानक से रुक गई या पिकअप ले लिया उसने अचानक से एक्सेलरेट कर दिया पिकअप ले लिया तो वो देख नहीं सकते हो वो देख नहीं सकते देख क्या सकते हैं मोशन फील क्या कर सकते हैं एक्सेलरेशन समझ रहे हो को बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है समझ रहे हो तो यही मुद्दे की बात बता रहा हूं कि ये देखो यार ये किताबी ज्ञान बहुत सिंपल सी चीज है।, तो uh, में, में, है लेकिन ये जो चीज़ है ना समझने वाली कि यार फील क्या कर सकते हो और देख क्या सकते हैं इसको जान लिया ना तो फिजिक्स के साथ तुम फिर खेल सकते हो यू विल नाउ एंटरटेन यू विल एंजॉय फिजिक्स अगर तुमने उसको अपने जीवन में इन्वॉल्व कर लिया तो ठीक है तो मैं वही चीज तुम्हें बता रहा हूं कि अर्थ पे तो मूव कर रहे हो कंटिन्यूअसली अर्थ पे तो मूव कर रहे हो कंटिन्यूसली लेकिन तुम्हें पता नहीं चल रहा है बताऊं क्यों क्योंकि अर्थ की एक कांस्टेंट रोटेशनल स्पीड है अगर कल को अर्थ चलते चलते थोड़ी देर के रुक गया भाई मैं रेस्ट करना चाह रहा हूं तो पता है हर आदमी यहां पे बैठा हुआ इस आदमी के पास सोलह सौ किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के साथ आगे की तरफ बढ़ेगा समझ रहे हूं तो जिस दिन अर्थ रुक रहा है फिर चल रहा है रुक रहा है फिर चल रहा है ऐसे करेगा तो वहां पे एक्सेलरेशन वो फील कर पाएगा इंसान अभी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से तो फील नहीं कर सकता लेकिन चंद्रमा पे जाओगे तो दिखता है चंद्रमा पे जाओगे तो दिखता है ना अर्थ मूव होता है क्लियर है सर मोर एग्जांपल्स ऑफ एक्सेलरेशन मोर एग्जांपल्स ऑफ एक्सेलरेशन अगर तुम फ्लाइट में बैठे हो फ्लाइट में बैठे हो तो तुम जब टेक ऑफ का टाइम होता है फ्लाइट में टेक ऑफ का टाइम जब होता है तो एक सडनली पीछे के टाइम हम

ये मान ली पूरा चक्कर ये पेन घूम रही है ये पेन ये चक्कर पूरा घूम रही है तो भाई इसके पास कुछ स्पीड तो होगी इसके पास स्पीड होगी तभी तो इतना पूरा चक्कर घूम लिया ना इसने तो यहाँ पे कोई पॉइंट है वो इतना बड़ा चक्कर घूम रहा है तो तो उसके पास कुछ वेलोसिटी तो होगी ना इतना बड़ा चक्कर घूमने की अर्थ का रेडियस होता है चौसठ सो किलोमीटर अर्थ का रेडियस कितना होता है चौसठ सो किलोमीटर तो सोचो जरा सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा ये सरकमफ्रेंस हो जाएगा टू पाई आर टू पाई इंटू चौसठ सो किलोमीटर भैया ये बारह हजार आठ सो इंटू पाई करना है थ्री पॉइंट वन फोर

Velocity क्या होता था? Average velocity. ये average acceleration बता ये बता रहा क्या है ये ये है। है? है? है क्या 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 जैसे होता 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 था? Average velocity क्या होता था? था कि नहीं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और डिस्प्लेसमेंट क्या था मेरा डिस्प्लेसमेंट सर आपने कुछ चेंज इन पोजीशन करके कुछ फॉर्मूला बताया था हाँ भाई

फाइनल माइनस इनिशियल को से दिखाते हैं ओके सो दिस इज बेसिकली आर एफ माइनस आ रही डेल्टा टी इज ओवर हेयर और ये क्या दिखाता है मेरा दिस इज एवरेज वेलोसिटी वेलोसिटी दिस इज एवरेज एवरेज सिंपल तो वेलोसिटी क्योंकि ये है चेंज इन पोजिशन अपॉन चेंज इन टाइम और मोशन इन मंडी में देखो आर वेक्टर क्या हो जाता है भाई एक्स हो जाता है ना तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी ये क्या हो जाएगा मेरा एवरेज वेलोसिटी कहां पे मोशन इन जब तक मोशन इन वन पढ़ रहा हूं तो बस वही पढ़ना है क्या नहीं यार मोशन इन टू डी पढ़ूंगा इसलिए आर से भी थोड़ी दोस्ती करके रखनी है और एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा डेल्टा मतलब चेंज इन इन वेलोसिटी चेंज टाइम यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी फाइनल को तुम लोग प्यार से वी बोलते हो इनिशियल को तुम लोग प्यार से यू बोलते हो तो वी माइनस यून टी समझ ही रहे हो इसी से इक्वेशन ऑफ मोशन भी निकलते हैं ठीक है

सो आई थिंक ये चीज समझ आ रही है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है एवरेज एक्सेलरेशन क्या है अब बात करते हैं रिटार्डेशन रिटार्डेशन तो retardation बस देखो यार सिंपल सा फंडा ये है कि अगर अगर वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन आगे की तरफ लग रहा है एक्सेलरेशन आगे की तरफ लग रहा है अब एक्सेलरेशन क्या होता है एक्सेलरेशन एक एक्स्ट्रा एनर्जी एक्स्ट्रा फोर्स ठीक है एक्सेलरेशन क्या होता है एक्स्ट्रा फोर्स एफ इक्वल्स टू एम ए राइट सो अगर एक्स्ट्रा फोर्स एक्स्ट्रा फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्शन में लगता है तो वही एक्सेलरेशन को तो एक्सेलरेशन बोलते हैं लेकिन अगर वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में वो एक्स्ट्रा फोर्स लगता है तो वो रिटार्डेशन कहलाता है क्लियर है रिटार्डेशन कहलाता है और ये क्या कहलाता है एक्सेलरेशन अब ये एक्सेलरेशन का काम ये रहता है कि भाई वेलोसिटी को बढ़ाएगा चलते चलते वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा मतलब ये वेलोसिटी को इंक्रीज करता जाएगा ठीक है वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा और ये भैया जी क्या करेंगे वेलोसिटी को डिक्रीज कर देंगे क्लियर है ये वेलोसिटी को डिक्रीज कर देंगे समझ रहे हो बात को से वेलोसिटी इंक्रीज करेगा ये वेलोसिटी डिक्रीज करेगा सिंपल सा फंडा ओके सर बढ़िया तो अभी यार हमने सारी बातें कर ली मोशन की अब अब मेन जो चीज है यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन जिसका आपने थमनेल भी देखा है पूरा चैप्टर उसके बारे में बात करते हैं कि डेरिवेशन ऑफ ऑफ मोशन क्या होता है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे करोगे तो डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलस के थ्रू भी होते हैं ग्राफ के थ्रू भी होते हैं ठीक है कैलकुलस के थ्रू भी होते हैं और ग्राफ के थ्रू भी होते हैं मैं कैलकुलस से आपको सोल्व करके दिखाऊंगा मैं किसके थ्रू दिखाऊंगा कैलकुलस के थ्रू सोल्व करके दिखाऊंगा तो देखो एक रिलेशन आपने ये देखा v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी याद है एक ये देखा v इक्वल टू डी एक्स बाई डी जो कि मैंने क्या बताया डिफ्रेंसिएशन ऑफ पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम v में इसलिए बताया था एक रिलेशन आपने देखा a इज इक्वल टू डी वीडियो ठीक है यानी डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक रिलेशन हमने ये देख लिया है ऑलरेडी ये रिलेशन भी देख लिया है ये किसका है ये है मेरा इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का और ये किसका है ये है मेरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्लियर है अल्टीमेटली आप भी जानते हो मुझे कहां तक पहुंचना है मुझे पहुंचना है यहां तक v u at v2 u2 2as s, s ut 1/2 at2 या फिर वीटी माइनस हाफ ए टी है कैलकुलस के माध्यम से पहुंचना है कैलकुलस के माध्यम से पहुंचना है सिंपल सा एनालिसिस कैलकुलस के माध्यम से कैसे पहुंचूंगा वही बस देखना है कि v U T, ये सब कहां से पहुंचूंगा बस सिंपल तो देखो सबसे पहले तो इन भैया जी को उठाओ इन भैया जी को उठाते हैं कैलकुलस का यूज करेंगे थोड़ा बहुत बेसिक मैथ्स का एनालिसिस आपका लगेगा पहली क्वेश्चन ऑफ मोशन डिराइव करने के लिए क्वेशन ए इज इक्वल टू डी बाई डी टी क्लियर है आप यहां पर क्या करेंगे दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो क्या करोगे इंटीग्रेट कर, कर दो भाई इंटीग्रेट ये सांप लगा दोनों तरफ क्या कर दो ये दोनों तरफ सांप लगा दो अब ये सांप लगाने का अर्थ ये होता है कि यहां पर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ डीवी को इंटीग्रेट कर रहा हूँ और ए को डीटी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूँ ठीक है टाइम यहां पे ये डेफिनेट इंटीग्रेशन करूँगा इंडेफिनेटली जिन जिन को समस्या हो रही है बेसिक मैथ्स टू बेसिक मैथ्स टू कैसे ये साइन का मतलब क्या है सब बताया है इसमें बेसिक मैथ्स टू प्रारंभ की प्ले में आपको मिल जाएगा प्लीज देख लेना सो अब यहाँ पे मुद्दे की बात ये है मैं ऐसे बात करूंगा कि भाई ये टी इक्वल टू जीरो था मैंने स्टॉप क्लॉक चालू भी नहीं की थी और तब तुम्हारी वेलोसिटी यहाँ पे वेलोसिटी तो थी अब तुम्हारी वेलोसिटी थी यू और किसी समय बाद स्टॉप क्लॉक में टाइम हो रहा था टी और तब तुम्हारी वेलोसिटी हो गई वी

इज इक्वल टू ए बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन डी टी हो जाएगा टी जीरो से लेके टी तक सिंपल सी चीज़ ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट का खेल है सो वी माइनस यू विल बी इक्वल टू ए इंटू टी माइनस जीरो सिंपल ठीक है सो so यहाँ से देखो रिलेशन क्या आ गई वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी यानी कि वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी V is equal to u plus at पहली इक्वेशन आ गई ठीक है जिन जिनको इंटीग्रेशन डिफरेंशियल कैलकुलस में समझ में दिक्कत आ रही है बेसिक बेसिक मैथ्स मैथ्स इज़ द सेकेंड इक्वेशन क्या है सेकेंड इक्वेशन जो है मेरी सेकेंड इक्वेशन में क्या करूंगा डीटी है ना ये जो डीवी अपॉन डीटी है न, इससे इसको डिवाइड कर दूंगा इस डी वीडियो से इसको डिवाइड कर दूंगा तो देखो क्या होगा ए इज इक्वल टू डी अपॉन डिटी और ये डिवाइड कर दिया वी इज इक्वल टू डी एक्स अपि तो देखो डी टी डी कैंसिल हो जाएगा वी उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए की वैल्यू आ जाएगी वी डी वी अपॉन डी एक्स वी डी वी अपॉन डी एक्स अब इसको यूज करना है तो डीएक्स को इधर मल्टीप्लाई करूंगा वी वीडीवी उधर ही रहने दूंगा वी वीडीवी विल बी इक्वल टू ए डी एक्स वापस दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है वापस वापस वही वही सांप लगाएंगे, बोलेंगे कि यार यहाँ पे एक्स है और यहां पे v है, तो बोलेंगे वेलोसिटी यू थी जब मैं पहुंच गया किराने की दुकान पे तब मेरा पोजीशन हो गया एक्स और तुम्हारी वेलोसिटी हो गई वी अब इसको इंटीग्रेट करूं अब इसको इंटीग्रेट करूं तो एक्स डी का इंटीग्रेशन जो होता है ये तुम लोगों को याद होना चाहिए टू टू दी दी का होता है है ठीक ये सब बातें की हुई हैं और ऐसी इंटीग्रेशन डी एक्स जो होता है वो मात्र हो जाता है एक्स ठीक है जो कि यहाँ यूज हुआ इंटीग्रेशन डी वी मात्र कितना था इंटीग्रेशन डी वी बस वी हो गया इंटीग्रेशन डी टी बस टी हो गया ए बार क्यों आगे कॉन्स्टेंट होता है अगर कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन डी एक्स है तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन डी एक्स रह जाता है और ये एक्स हो जाता है ठीक है ये सारी चीजें हमने

एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट मेरे भाइयों और बहनों एक्सलरेशन इज कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट होना ही पड़ेगा वरना ये चीज वैलिड नहीं होगी ये तीनों इक्वेशन वैलिड नहीं होंगे बिल्कुल भी नहीं होंगे होंगे ही नहीं अगर एक्सेलेशन कॉन्स्टेंट नहीं होगी तो वेन एक्सेशन इज कॉन्स्टेंट देन ओनली द थ्री इक्वेशन ऑल दी फोर इक्वेशन थ्री फोर इक्वेशन आर वैलिड ठीक है सो एक्सेलेशन कॉन्स्टेंट है इसलिए मैं बार 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 निकाल ले रहा हूँ और बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे a बाहर आ जाएगा ये इंटीग्रेशन dx x हो जाएगा लिमिट कहाँ से कहाँ तक जीरो से लेके x तक तो ये हो जाएगा वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर बाई टू इज इक्वल टू ए इंटू एक्स और जो x है x है मेरा क्या है उसको मैं डिस्प्लेसमेंट बोल सकता हूँ x जो है मेरा उसको डिस्प्लेसमेंट बोल सकता हूँ मतलब x माइनस जीरो होगा यहां x जीरो होगा मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इसको मैं x s बोल दूंगा a उधर चला जाएगा तो देखो मेरी फाइनल इक्वेशन भी आ गई मेरी फाइनल इक्वेशन आ गई इसको मैं थोड़ा इधर लिखूंगा यार इसको मैं कहां लिखूंगा इसको मैं इधर से लिखूंगा ठीक है तो ये हो जाएगा मेरा क्या v2 u2 2 सॉरी 2 इधर a x 0 ये x 0 s और ये 2 इधर जाएगा तो फाइनली आ गया मेरा v square minus u square is equal to 2as, ठीक है ये मेरी आगे दूसरी इक्वेशन ये मेरी आगे कौन सी इक्वेशन दूसरी इक्वेशन समझ रहे हो? तो गई आगे पहली इक्वेशन ठीक आ आगे मेरी दूसरी इक्वेशन, दोनों इक्वेशन निकाल दी अब सर तीसरी कैसे बताओगे इस v को u equals to टी इधर रखना है इस v को को u प्लस एटी इधर रखना है इधर रख दोगे तो तीसरी चौथी भी निकल आएगी ठीक है

और बस यार इसी के साथ आगे लेते हैं एंड करते हैं आज के सेशन को जिसमें हमने मोशन के बारे में काफी अच्छी अच्छी और बढ़िया बातें की इक्वेशंस ऑफ मोशन पे इसको एंड कर रहा हूं बट दैट्स नॉट ऑल दैट्स ऑब्वियसली नॉट ऑल इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हमें अभी बहुत सारी चीजें करनी है हमें मोशन कैलकुलस के साथ समझना है हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन पे बहुत सारे सवाल भी करने हैं तो बहुत मजेदार मजेदार सेशंस और आने वाले हैं आज आज का तो बस एक इंट्रोडक्टरी सेशन था जिसमें हमने एटलीस्ट बस मोशन के बारे में जान लिया और बहुत डिटेल में जाना ऐसे वैसे नहीं बहुत अच्छी तरीके से और इक्वेशन ऑफ मोशन भी जान ली ठीक है कैलकुलस में जिसको दिक्कत हो प्लीज यार मैं रिकमेंड कर रहा हूं बेसिक मैथ्स वन और टू प्लीज देख लेना बहुत अच्छे कॉम्प्रीहेंसिव से से, इतने हैं कि आपको साल भर ग्यारहवीं छोड़ो बारहवीं में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी तो प्लीज देख लेना और बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया भी है। चलो, तो मिलते हैं में। Bye -bye, take care.